अभी अभी चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, 7 चरणों में होने जा रही है लोकसभा चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया गया है कि लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई, सातवा 1 जून को होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को हम सभी के सामने आ जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग ने चुनाव को 7 चरणों में खत्म किया था। वहीं इस बार भी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को 7 चरणों में करवाने का चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा, वहीं नतीजे हमें 4 जून को पता चल जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार इस चीज के लिए इंतजार कर रही थी कि जैसे ही तारीखों का ऐलान हो और वो जमकर लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुट जाएं। और अब जब चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद अब ये देखना होगा कि सभी पार्टियां किस तरह अपने चुनावी प्रचार में जुटती हैं और किस तरह ये लोकसभा चुनाव जाता है और 4 जून को हमें क्या नतीजा हासिल होता है, किस पार्टी की बड़ी जीत होती है तो वहीं किस पार्टी को मुखी खानी पड़ती है, ये अब हमें 4 जून को पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।